जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज मैं आपको हमारे ये जो चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, इसके 5 लाख सदस्य पूरे हुए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबकी मेहनत से इतने कम समय में, ये यूट्यूब का एक इतिहास है। प्रशंसा पत्र मेरे पास YouTube से आया है कि इतने कम समय में सबसे जल्दी 5 लाख पूरा करने वाला चैनल हमारा है। आज तक किसी भी चैनल ने इतनी स्पीड से इतने लोग नहीं जोड़े जितने हमारे इस चैनल ने जोड़े हैं, और वो भी इतनी कठिनाइयों के बावजूद। आप सबको पता होगा कि हमारा ये चैनल जवानों की हक के आवाज उठाने के लिए बनाया गया है। हमारे जो अधिकार हैं, ये हमारे जो अफसर और जवानों के साथ जो तानाशाही कर रहे हैं, उस तानाशाही के खिलाफ ये चैनल बनाया गया है। आज भी हमारे इस देश भारत में जवानों को गुलाम समझा जाता है, चाहे वो हमारे सेना के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो या पुलिस के जवान हो। इस देश में आज भी अफसरशाही अंग्रेजों की तरह चल रही है, और अंग्रेजों के ही बनाए हुए कानून जो कि आज इस देश में चल रहे हैं, और उन्हीं कानूनों का नाजायज फायदा उठाकर अफसर जवानों का शोषण करते हैं। घरेलू काम जिस तरह कुत्ता घुमाना, इनकी मैडमों के कच्चे बनियान तक धोना, पर्सनल रसोई में काम करना, मतलब एक सोल्जर जो देश सेवा के लिए भर्ती किया जाता है, जिसको पेमेंट भारत सरकार से मिलता है देश सेवा के लिए, लेकिन उसको ये एज ए पर्सनल सिविल सर्वेंट की तरह यूज करते हैं। सिविल सर्वेंट से भी जो काम नहीं कराए जाते, सिविल सर्वेंट से अगर इस तरह के काम कराए जाएंगे तो वो छोड़ के चला जाएगा, लेकिन एक फौजी, क्योंकि उसकी मजबूरी हो जाती है, बहुत सारे उस पर प्रेशर होते हैं, वो ना तो नौकरी छोड़ सकता और ना ही इन कामों के लिए मना कर सकता। तो ऐसे ही तानाशाही के खिलाफ ये चैनल बनाया गया। सहायक प्रथा के लिए आपको पता ही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी डाला हुआ है, और भी बहुत से मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, और इन्हीं कारणों से इन अफसरों के हिट लिस्ट में मेरा नाम है, रविंद्र फौजी। आप सबको पता भी होगा, इन्होंने इस चैनल को बंद करने की बहुत कोशिश की, आर्मी हेडक्वार्टर से और बहुत जगह से लेटर जारी किए, रविंद्र फौजी से कोई नहीं जुड़ेगा, रविंद्र फौजी की वीडियो नहीं देखेगा, लेकिन उसके बावजूद ये चैनल बढ़ता जा रहा है। और वो है, हमारे पास एक ही ताकत है, वो है सच्चाई की ताकत, क्योंकि हम हर कदम पर सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें आप सबका सहयोग और इस स्पीड से जाना, मैं चाहता हूं कि अब हम 5 लाख से सिर्फ हम एक आदमी अगर 10-10 मेंबर जोड़ता है, एक आदमी अगर 10-10 मेंबर जोड़ता है, तो हम 5 लाख से 50 लाख होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन हम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, और हमारा ये जो शोषण, ये गुलामी प्रथा, ये सहायक प्रथा, ये इनकी तानाशाही, वैसे वैसे इनकी रेशो घटती आएगी। आप विश्वास करें, आज इसके चैनल के बदौलत जो ये खुलेआम धमकियां देते थे कि तुम्हें सहायक जाना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, नाजायज ऑर्डर देते थे, आज इनके दिलों में डर है, डर। रविंद्र फौजी का नाम भी इनके लिए एक बंदूक की गोली से कम नहीं है। और ये चीजें हमारे साथ साथ इनकी खुद की रक्षा मंत्रालय की जो एजेंसी है, थिक सेंट, उस एजेंसी ने भी सर्वे के अनुसार ये कहा है कि हमारे सैनिक जो कि दुश्मन की गोली से ज्यादा तनाव के कारण मरते हैं, और उस तनाव का सबसे बड़ा कारण बताया गया है अफसरशाही, छुट्टी नहीं मिलना। मैंने पहले उस दिन भी बताया था कि 50% समस्या खत्म हो जाएंगी एक सहायक प्रथा बंद होने से, पर्सनल काम में जवानों को वेटर लगाना, ये सारी चीजें। आज मैं इस विषय पर वीडियो नहीं जाकर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चैनल और रफ्तार बढ़नी चाहिए, आप सच्चाई के रास्ते पर हो, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत रास्ते मैंने पहले भी बताए, ये लोग दबाव डालेंगे, वीडियो ना देखो, आपके फोन भी चेक करेंगे, लेकिन तरीके बहुत हैं। हमें टर्निंग से ही, जब ये लोग ऐसे ऐसे तरीके हम सीखते हैं कि हमें दुश्मन से कैसे लड़ना है, दोस्त के साथ कैसे वार्तालाप की जाती है, तो हमें ये तरीका भी अच्छे से पता होगा कि इनके दबाव के बावजूद हमें कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, कैसे हमारी पब्लिक को और जोड़ना है, और कैसे अपनी बात को रखना है। आप अपने
फैमिली के फोन से, आप अपने बच्चे के फोन से, किसी दोस्त के फोन से सब्सक्राइबर कर सकते हो। चैनल यूट्यूब के अंदर आप ऊपर जो आइकन के अंदर बदल सकते हो, उसके अंदर आता है ऊपर एक साइड में टिक मारो, आप दूसरी ईमेल बनाकर उससे सब्सक्राइबर कर सकते हो। और इसी के साथ ही एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ट्विटर, अब हमें थोड़ा सा ट्विटर की तरफ भी बढ़ना है। फेसबुक आपके लिए वैन हो रखी है, लेकिन ट्विटर, यूट्यूब ये चीज आपके लिए वैन नहीं है। इनका फायदा लो ताकि हमारी आवाज और बेहतर से सुनी जाए। आज कुछ नहीं कहकर एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और फिर कहता हूं, सच्चाई के लिए लड़ना। मुझे पता है कि आप लोगों के ऊपर जितना प्रेशर है वो चीजें मैंने झेली हैं। बहुत बंदे को दिल करना पड़ता है, लेकिन उस दिल के बावजूद आप लड़ रहे हो, उसके लिए मैं मेरी तरफ से आपको सल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।